राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, पूजा पाठ हो गया है, आज मुझे कहीं जाना है। आज का ब्लॉग बहुत ही खास है। यहाँ पे अजवाइन की कचौड़ी बन रही है और पूड़ी, कोहड़ा की सब्जी यानी कद्दू की। सुबह सुबह ये सारा खाना मैं बना के कहीं जाने वाली हूँ, आप सब बने रहिएगा। जो लोग नहीं आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गर्मा गर्म कचौड़ी खानी है तो आ जाइए। कई कई सिस्टर पूछती है साधना दी घर आपका कहाँ है, तो मैंने तो कई बार बताया है ना आप लोगों को कि मैं चित्रकूट ज़िले से हूँ। मेरा ससुराल चित्रकूट है, मायका मेरा कौशाम्बी ज़िला है। इससे ज़्यादा बताना अलाउ नहीं है पब्लिक में, ठीक है? तो जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, बहुत पास में हैं वो लोग, आए मिले मुझसे सिस्टर्स लोग, ठीक है? मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे सब्सक्राइबर जब कहते हैं मुझे मिलना है आपसे साधना दी, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप लोग आइए, ज़रूर हम सब मिलेंगे। इधर देखिए खाना रेडी हो गया है। सुबह 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 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी 6 बजे हैं फ्रेंड्स, 6 बजे सारा काम हो गया, पूजा पाठ हो गई, खाना भी बन गया है। जब कहीं जाना होता है ना तो हम बहुत जल्दी उठते हैं और सब कुछ फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए खाना बनाने के बाद फिर कपड़े उपड़े फैलाऊँगी। ऐसे ही मैंने यहाँ धुल के डाल दिया था। और ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है बताइएगा। ये कलर तो दिख रहा है लाल, लेकिन लाल नहीं है, गाजरी कलर है। ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम मुलायम साड़ी है। पहन के कुछ चीज़ें, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि पहन के हमें कंफर्टेबल लगता है, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं पहन लेते हैं तो हैवी सा लगता है। तो ये एकदम से कम्फर्टेबल साड़ी है मेरी। तो अब बाल बाल बना लेती हूँ, मेकअप शेकअप थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाऊँगी खाना, फिर चलेंगे। बच्चे कुछ बोल रहे हैं, हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं, मैंने दे दिया था, पानी नहीं दी हूँ, शायद पानी मांग रहे हैं। और खुशी खाने लगी है, हर्ष शिवे दोनों बोल रहे हैं मम्मी पापा आप दोनों चले जाओगे अभी तो हम लोग गेम खेल लें। आज हम गेम नहीं खेलने पाएंगे, बच्चे इतने ज़्यादा हैबिट्स में आ जाते हैं फ्रेंड्स गेम वगैरह के, कि आप सोचो कहीं जाना है फ़ोन उनको नहीं देंगे तो वो रोने लगते हैं। तो ये कुछ हाल बच्चों का मेरे भी है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी जब तक छुट्टियां चल रही तब तक तुम लोग गेम खेल लो। जब 1 जुलाई होगा उस दिन से फिर गेम तुम लोग का बंद हो जाएगा। बोल रहे ठीक है मम्मी, प्रॉमिस हम लोग बंद कर देंगे। अब देखते हैं 1 जुलाई को ये लोग क्या करते हैं। कभी कभी ये होता है बच्चों के मन से भी काम कर लिया जाए। मैंने कहा जब 1 जुलाई आएगा जब, तो तुम लोग खुद ही अपना डिलीट कर देना गेम। तो बोल रहे मम्मी ठीक है। इधर देखिए बाप और बेटी दोनों खा रहे हैं, मैं पैसे निकाल के उनके जेब में डाल रही हूँ। बोल रहे थे निकाल के रख दो, क्या होता है ना जेब में पैसे फ्रेंड्स रखे रहते हैं तो बच्चों को पता होता है कितने पैसे पापा आपके पास है, ये चीज़ खाना है दे दीजिए, ये चीज़ लानी है खेलने के लिए या किसी काम के लिए दे दीजिए, तो पापा से बहुत जल्दी बच्चे पैसे मांग लेते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, मुझे दे देते हैं, मैं रख देती हूँ। मेरे हाथ से बच्चे बहुत कम पैसे पाते हैं। सारा काम तो मैंने कर लिया है, सूर्यदेव को मैंने जल ही नहीं दिया है, तो वही सोच रही हूँ पहले सूर्यदेव को जल दे दूँ। पूरी पूजा मेरी हो गई है, जब कहीं जाना हो रहना दिमाग काम नहीं करता है। सूर्यदेव को मैंने जल नहीं दिया और सारा पूजा पाठ मैंने कर लिया। सोच रही थी मंदिर ना जाऊँ, जल्दी है तो ये बोल रहे हैं हो आओ, इतनी जल्दी नहीं है, फिर मैं खा रहा हूँ टाइम लगेगा, तो मैं मंदिर भी हो आऊँ, पास में ही है, बहुत दूर नहीं है। सारी सामग्री मैंने थाली में ले ली है, अब चलिए यही 10 कदम है, मंदिर मिल जाएगा तो कर ही लेती हूँ पूजा यहाँ भी। फिर पूजा करके आ गई हूँ मंदिर, अब अपने लिए खाना निकाल लूँ। बच्चे सब खा चुके हैं, ये भी खा चुके हैं, अब ये बोल रहे हैं जल्दी करो। क्या करते हैं ना, पहले कहेंगे ठीक है टाइम है कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं खाने लगती हूँ या तैयार होने लगती हूँ तब फिर इतना हल्ला मचाएंगे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो खाते समय। तो मैंने कहा आराम से अब मैं खाऊंगी पीछे तरफ, क्या है फ्रेंड्स कहीं जाना होता है मेकअप वेकअप कर लो ना, तो इतनी गर्मी लगती है कि मत पूछिए। मुझे पंखा भी काम नहीं कर रहा, मतलब लगता है गर्मी लग रही है, तो मैं पीछे तरफ थोड़ी सी हवा चले ठंडी ठंडी, मौसम एकदम से ठंडा है, अभी सुबह भी है 6:30 बज रहे हैं, तो इधर बैठ के खा रही हूँ। इतनी जगह घर में है फिर भी, क्योंकि यहाँ एकदम से जो प्राकृतिक ठंड होती है ना वो लग रही है, इसलिए तो खा लूँ फिर आपसे मिलूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, यहाँ पीछे तरफ खाना लेके आई है, देखिए कचौड़ी बनी है। कचौड़ी मेरा मन नहीं था खाने का, क्या है क्या नाम है याद नहीं आ रहा, उसकी कचौड़ी जो होती है उसकी अजवाइन की, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, तो मैं सब्जी और पूड़ी ले आई हूँ, जल्दी जल्दी खा लूँगी। इतनी भयानक गर्मी है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन एक भी ठंडा नहीं हो रहा, खा लूँ फिर मिलूँ आप लोगों से। चलिए अब खा चुकी हूँ,
वो आते हैं एक जगह काम से जा रही हूँ, वहाँ से आती हूँ फिर मिलती हूँ घर में आप लोगों को। आप सब बने रहिएगा, जो लोग गाँव में एक निमंत्रण भी है मेरे ससुराल में तो शायद वहाँ भी जाऊँ। वहाँ से आने के बाद सीधे वहीं जाऊँगी, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो बच्चे और हस्बैंड तो जाएंगे ही, मेरे लिए खाना आ जाएगा क्योंकि फैमिली का निमंत्रण है कीर्तन पूजा पाठ वाला, तो फैमिली का होता है तो पूरी फैमिली का इकट्ठा होता है जिसे हम कहते हैं देहाती भाषा में चूल्हा, तो चूल्हा है तो मेरे लिए आ ही जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर चलते हैं, आप बने रहिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ गई थी वहाँ से आ गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, 6:30-7:30 बजे हम लोग घर आए हैं, शाम हो गई थी एकदम, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। ये अगला दिन है, अगला दिन इवनिंग का टाइम है, यहाँ पे चना रखा हुआ है, सुबह से मैंने नहीं शूट किया कोई भी ब्लॉग, चना रखा हुआ था फूला हुआ, तो इसे मैं अब तलूंगी, तल के हम सब लोग खाएंगे, शाम के टाइम में नाश्ता हो जाएगा। अभी गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, मुझे लगता है सुबह सुबह पूरा खाना बना के खा लें, शाम के टाइम में नाश्ता करें, क्योंकि मान लो 11:30-11 बजे हम लोग खाते हैं दोपहर का जो लंच होता है, तो इधर 4-5 बजे भूख लग जाती है। कपड़े भी अभी इधर रखे हुए हैं, बर्तन भी रखे हुए हैं, मतलब काम पड़ा हुआ है, लेकिन पहले चना तलूंगी, हम सब खाएंगे चबाएंगे, उसके बाद फिर इधर का काम करूंगी। ये देखिए चने में मैंने क्या डाला है, थोड़ा सा तेल और पानी, थोड़ा सा जो भस भस आता है ना खाने में वो ज़्यादा अच्छा लगता है, कुरकुरा नहीं अच्छा लगता चना तला हुआ, तो खावा लिए थे। फिर रात का टाइम हो गया है, सारा काम वाम मैंने किया, काम ख़त्म करते करते कभी कभी होता है ना मेरा टाइबोर्ड गड़बड़ है, तो बच्चे जितना शूट कर लेते हैं बस उतना आप लोग को दिखा पाती हूँ, पूरा ब्लॉग इस समय में नहीं शूट कर पाती। अरवी की सब्ज़ी बन रही है। फिर देखिए ये अगला मॉर्निंग है, सुबह थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है, जो पेड़ यहाँ पे लगा हुआ था गुड़हल का वो सूख गया है, जब हस्बैंड चले गए थे अपनी बहन के यहाँ मैं मायके में थी 10-12 दिन, घर एकदम लॉक था तभी पानी नहीं मिला इसको, ये सूख गया एकदम से, तो मैंने सोचा काट ही दूँ, क्योंकि सूखा वृक्ष लगा हुआ अच्छा नहीं लगता है ना, नेगेटिविटी भी आती है इससे, कोई भी पेड़ अगर सूख जाता है तो वो नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए उसे हटा देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी, या तो तोड़ के रख दो, लकड़ी टाइप रहे तो ठीक है, या तो फिर फेंक दो, घर में ऐसे रखना नहीं चाहिए, ये मेरी मम्मी बताया करती थी और ये होता भी है, बुजुर्ग लोग जो भी चीज़ें बताते हैं फ्रेंड्स वो होता है, कोई मजाक की बातें नहीं होती, इसीलिए बड़े बुजुर्गों की बातों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, सुनो समझो फिर भले उसे अपने लाइफ में बहुत लेट में अप्लाई करो लेकिन करो ज़रूर, मजाक में मत समझो। तो यहाँ से सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद नहाऊंगी और देखती हूँ आगे ब्लॉग में मैं क्या डाल पाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, 4 बार मैं बोल चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ से शुरुआत करती हूँ पोछा लगाने के लिए, फिर पूरा अंदर तक करते चली जाती हूँ, भगवान वाले घर में पानी बदलना पड़ता है और किचन में दो जगह, और पोछा भी बदलना पड़ता है क्योंकि जूठा रहता है ये पोछा। तो चलिए साफ़ सफाई करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, आई होप अच्छा लगा होगा, बाय।